हर दिन अपनी ज़िंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा हो या ना हो पर आवाज़ तो दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। वेलकम बैक टू अमित मेहरा ब्लॉग्स। आज का जो ट्रिप होने जा रहा है वो होने जा रहा है मनाली में जोगनी फॉल्स का, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे थोड़े लोगों ने बाहर भी बताया, होटल वालों ने भी बताया कि अगर आप मनाली आए हो तो जोगनी फॉल्स ज़रूर होके जाओ, तो इसलिए मैं आज का ट्रिप बनाया मैंने जोगनी फॉल्स का। वो भी शॉर्टकट रास्ते से जाऊँगा। एक तो बतिस्त जाता है रास्ता, वहाँ से नहीं जाना, वहाँ से 5 किलोमीटर है और ये शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है, कोई बात नहीं, चल कर लेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ, पहले मैं तैयार होके तो सीधे जाऊँगा टायर लेने। अभी हम जा रहे हैं टायर लेने, टायर फिट करवाने, जो कल कट लग गया था टायर को उसी को फिटिंग फिट करवाना था। तो गंद देख लो जो मैंने मचाया हुआ है, होटल वाला सोचेगा वाह कहाँ से आ रहा है ये बंदा। तो चलो टीवी बंद कर दो पहले, वॉशरूम लॉक। कल का जो था ना, कल का मज़ा बहुत आया, बट बारिश जो होगी ना रोहतांग से आते जाए वो थोड़ा काम खराब करती है। उसमें शूज़ मेरे सारे गंदे हो गए, उसमें मेरे शूज़ गंदे हो गए सारे। और कुछ करना है लाइट्स तो शूज़ आई यार, जब भी आओ ना शूज़ ना दो शूज़ लेके आओ साथ में। एक शूज़ लाओगे बारिश होगी बाहर गंदे हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे धोने वाला कोई नहीं है, खुद भी नहीं धो सकते शूज़ बाहर आके, इसलिए दो शूज़ ले आओ साथ में। तो गंद मचाया हुआ थोड़ा साफ कर लेते हैं, एक मिनट, जो गंद है मैंने मचाया हुआ इसको थोड़ा संभाल लेते हैं। क्या बोलेंगे, बाकी ओके है निकले? हाँ कुछ रहा तो नहीं गया, भैया को बोल देते हैं रूम साफ करवा दो, रूम की हालत बिगड़ गई है। ओके डन। भैया रूम करवा दो फिर। अच्छा भैया कहाँ पे आप गए हो? कोई बात नहीं, रूम 401 थोड़ा रूम साफ करवा दोगे? करवा देते, ठीक है ठीक है, थैंक यू। ऊपर हैंड रूम है? नहीं लॉक नहीं है, मैंने ऐसे ही छोड़। तो ये लगी है मेरी, जो इस टूर की मेरी साथी जिसने मेरा साथ दिया, बट थोड़ा सा घर पंगा हो गया, ये थोड़ा सा पंगा ये हो गया कि इसके टायर को लग गया कट। अब टायर को कट लग गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा करो, चलो स्टेपनी थी मेरे पास, मैंने लगा ली एक्स्ट्रा जो था, तो अगर स्टेपनी नहीं होती तो मुझे तो रात को वहाँ पे रुकना पड़ना था रोहतांग में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होना था। इस मतलब इस एरिया में आओ, इस हिल एरिया पे आओ तो स्टेपनी ज़रूर साथ में रखो, और उसको चेंज करना भी आना चाहिए, ऐसा ना हो स्टेपनी साथ में हो तो चेंज करना ही नहीं आए, उसका पहले सीख लो। तो और सीट बेल्ट और मास्क ये ना भूले, नहीं तो 2000 रुपया भरना पड़ सकता आपको। चलो अभी निकलते हैं टायर वाले भैया के पास। ये मेरे होटल का नाम देख लो क्या है, कंचनीकूट होटल। अच्छा जी हम पहुंच गए हैं जगीर अंकल के पास, आगे जाएंगे तो बहुत लंबा टर्न है, यहाँ से ही टर्न ले ही लेते हैं, यहाँ से रॉन्ग साइड थोड़ा सा। तो ये पहुंच गए हम शॉप पे, टायर वाली अंकल की शॉप पे,
के सामने शॉप है, यहाँ से करवाएंगे हम टायर चेंज गाड़ी का। अच्छा तो यार टायर ले लिया अंकल से, अंकल कह रहे हैं आज फिट नहीं करना है, इसको कट लगा था टायर को कट लगा था ना तो आज फिट नहीं करना है क्योंकि ये ताज़ा बनाया हुआ है, तो बोल रहे हैं कल आके फिट करवा लेना, फिर कल ही करवा लेंगे फिटिंग से। चेक वगैरह यहाँ पे रख दो। ठीक है यार, आज का दिन भी इसी टायर में निकाल लेता हूँ फिर। ठीक है, आज भी इसी टायर में निकालना पड़ेगा, गंदे से टायर में गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है। अंकल जी को पैसे दे देते हैं। तो गाइस आगे लगा हुआ नाका, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, देख लेना ये मुझे ज़रूर रोकेंगे क्योंकि ये जेके नंबर गाड़ी है ना, ये पक्का रोकेंगे, कंफर्म है, देख लेना, मुझे लग रहा है यार 100%। ये देखो मैं फ़ोन नीचे कर लेता हूँ। अंकल की ना तो देखा आपने गाइस, मैंने आपको बोला था इन्होंने मुझे 100% रोकना है और बारिश भी लग गई है तो इन्होंने मुझे रोका और मेरे से RC और PUC पोल्यूशन गाड़ी का वो मांगा और इन्होंने चेक किया और पूछा कि पीछे टैक्स कटता है 200 की पर्ची कटती है एक मनाली एंटर होने से पहले, तो वो मैंने इन्होंने पूछा कि कटवाई है, हाँ मैंने बोला हाँ कटवा लीजिए, मैंने तो पूछ रहे थे कितने की, 200 की, हाँ मैंने बोला 200 की, ये वो पर्ची है मनाली की 200 की, तो कटवा ली थी मैंने, नहीं कटवाई होती तो मुझे वापस भेजते और फाइन भी भरना पड़ता। तो चलो हो गया, मैंने आपको बोला था इसने मेरे को रोकना, ये ज़रूर जम्मू नंबर गाड़ी देखी नहीं, जेके दिल्ली कोई भी बाहर की गाड़ी देखी नहीं, 2 मिनट में भर जाएंगे। अरे भाई साहब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, सांस में सांस नहीं आ रही अब, तो देखिए वहाँ पे जाना ऊपर, यार मुझे नहीं लग रहा पहुँच पाएंगे, ठंडा पानी आ रहा है ठंडा, ये देखो बिल्कुल ताज़ा पहाड़ों का पानी, पीने का मन कर रहा है लेकिन पी सकते हैं या नहीं पूछें किसको, बताएं किसको, फिर सुनने वाला ही नहीं है हमारी यहाँ पे है कोई। चलो यार पी
आपको नीचे नहीं जाना, और जिस साइड ये पाइप्स जा रही है पानी वाली, पाइप्स के बिल्कुल साथ साथ जाना आपने, और वहाँ से लेफ्ट लेना, नीचे नहीं जाना। वो जोगनी फॉल्स नहीं है जो नीचे दिख रहा है, तो वहाँ से ऊपर ही जाना है। देखो कितनी हाइट पे आ गए, ये देखिए पेड़ की आवाज़। ये चीड़ के पेड़ होते हैं, इनकी आवाज़ बहुत होती है। और जैसे जैसे ये पानी की वैसे जैसे पानी आ रहा है ना फेस पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। ऐसे शावर, ऐसे लग रहा है शावर ले रहा हूँ, पानी पूरा फेस पे आ रहा है, पूरे कपड़ों पे आ रहा। देखिए मोबाइल पूरा गिल्ला हो गया, कैमरा पूरा गिल्ला हो गया। हाँ वाह यार, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब मैं ये फॉल क्रॉस करके उस रूट से वापस जाऊँगा, तो आप चलो मेरे साथ, बट अभी 5 मिनट के बाद, मुझे सांस लेने दो फिर चलते हैं। अच्छा तो चलो गाइस यार, इसके पार चलते हैं, मैं इसके पार जाता हूँ क्योंकि मुझे उस रूट से जाना है वापस। इस रूट से मैं जाने नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे स्नेक वगैरह का बहुत खतरा है, रास्ते में देखे अगर आगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से वापस इस रूट से। तो लोग मुझे देख रहे हैं कि ये कौन सा एडवेंचर कर रहा है, मुझे जहाँ से जाने का डर नहीं लग रहा है, स्लिप कर रहा है क्योंकि मैंने शूज दूसरे डाले हैं, फिर स्लिप कर ये व्यक्ति जा रहा है इसका, मुझे भी सोल अच्छा है। अच्छा तो गए थे यार, बहुत मज़ा आया, आधा घंटा बैठा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मेडिटेशन हुई। ये वैसे भी मेडिटेशन एरिया है, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मन नहीं कर रहा है वापस जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा, कोई नहीं है यहाँ पे, अकेला हूँ जोगनी फॉल्स में, पूरा ना कोई आते दिखा, वो सिर्फ लोग गाँव के लोग दिखे थे, यहाँ ना कोई दिखा ना कोई है, अकेला हूँ। इतना मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सारा कपड़े वगैरह सब गिले, मोबाइल फ़ोन कैमरा शूज़ सारे गिले हो गए, कैप लगा ली है, बुरी हालत है, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा प्रो मज़ा आया। अब जा रहा हूँ वापस, अब आपको मिलता हूँ नीचे जाके, अब जल्दी जल्दी जाऊँगा नीचे क्योंकि बारिश हो रही है, रोड थोड़ा स्लिपरी है, और भूल गया हूँ नहीं भूलूँगा यार, अभी चार बार थोड़ी ना भूलता, अभी नए रास्ते से जा रहा हूँ, आपको वो भी दिखा दूँगा जाते टाइम। और मेरे फ़ोन के स्पीकर में पानी चला गया है, मुझे कॉल आया था घर से, आवाज़ नहीं आ रही थी, बात नहीं हो पाई, मुझे लग रहा है मेरा मोबाइल गिल्ला हो गया, उसकी वजह से स्पीकर ख़राब हो गया। तो अभी चलते हैं नीचे यार, ठीक है, देख लीजिए एक बार दोबारा। अभी तक मुझे कोई नहीं दिखा था आते टाइम, अभी ये चार लोग दिखे हैं, सिर्फ यही दिखे हैं मुझे आते टाइम, और कोई नहीं दिखा मुझे। ये आए हैं हिम्मत करके, ऊपर पहुंचे हैं, नज़ारा लेने आए हैं। मनाली आओगे तो जोगनी फॉल ज़रूर आना। वापस जाने का रास्ता तो यार उससे ज़्यादा स्लिपरी लग रहा मुझे, वो तो थोड़ा मतलब ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो इतना स्लिप है यार, एक लड़का तो ऊपर गिर ही गया बेचारा।
और देखो अभी देखेंगे एक दो लोग भैया। कितना टाइम लगेगा नीचे जाने में? और कहाँ तक? मैंने नीचे रोड पे हाईवे पे नहीं हाईवे पे जा रहा है ना यार, रास्ता हाईवे पे नहीं जा रहा, टेंपल के पास। तो वहाँ से बाहर निकलेगा ना हाईवे पे, मुझे हाईवे पे बाद मेन रोड पे जाना है। अच्छा वहाँ से रोड मिलेगी? मैंने होटल में जाना है यहाँ पे, मनाली में ही है। हाँ जी टाइम लगेगा, मतलब गलत आ गया हूँ? नहीं मैं आया ना वहाँ से आया, मैं दूसरी साइड से आया, गुलाबा से नहीं, वो ऊपर से रास्ता चलता है बांध से। अच्छा तो गाइस यार मैं अभी आ गया हूँ जोगनी फॉल से नीचे, बहुत बुरी हालत थी वापसी पे, इतने कपड़े सारे गिले, बारिश इतनी तेज़ थी, बहुत बुरी हालत हुई है, अभी भी सारे कपड़े गिले हैं मेरे। अभी मैं होटल में पहुँचा हूँ, अब कपड़े तो मैंने इतने ज़्यादा लाए भी नहीं हैं कि मैं चेंज कर सकूँ बार बार, अब इन्हीं को मैं थोड़ा पानी में भिगो के तो इन्हीं को करूँगा सुखाने के लिए रख दूंगा। तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ये सुबह का भी मेरा ब्रेकफास्ट है। टाइम देख लो कितना टाइम हुआ है, 3:45 और मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। शाबाश, देखो जूतों की हालत, देखो पूरे बिगड़ गए जूते, पैंट पूरी गिल्ली, जीन्स और ये हुडी जो मैं पड़ी तैयार श्यार होके गया था जैसे कि शादी पे जा रहा हूँ, हालत देख लो अभी वापसी पे, जैसे कि लेबर की दिहाड़ी लगा के वापस आ रहा हूँ। अभी करते हैं कुछ, ये हाथों पर कोई होता ही नहीं, सुबह बोला था इनको रूम साफ करने के लिए, पता नहीं किया नहीं है। अभी तक रूम साफ नहीं हुआ मेरा, हो गया नहीं। अच्छा तो बस अभी होटल में पहुंचा, अपने रूम में पहुंचा हूँ, बड़ी ज़्यादा बुरी हालत हुई है वापसी पे, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, ऐसे तो ऊपर वाटरफॉल था वहाँ पे भी मेरे कपड़े थोड़े बहुत भिगो गए थे, बट आते टाइम इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि शूज़ वगैरह, देखो शूज़ की हालत, देखो जीन्स शूज़ सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, देखो कितनी बुरी हालत हुई है यार। अब ब्रेकफास्ट नहीं किया था सुबह, मैंने सोचा मुझे ऊपर कुछ मिल जाएगा मैगी वगैरह खाने को, मैं खा लूँगा, ना मैगी मिली, कुछ पानी तक नहीं मिला, वो वाटरफॉल का पानी पिया तो वो पी के तो अभी नीचे पहुँचा, तो अभी बाहर से ब्रेकफास्ट लिया, मैं बैठ के अच्छा बाहर बैठ के खाता हूँ, बाहर बैठ के कैसे खाना था, सारे कपड़े गिले थे। अभी होटल में आया हूँ, कपड़े भी थोड़े से लाए हैं मैंने, मतलब चार दिन रुकना है तो मैंने चार ही सूट्स लाए थे, अब इसको मुझे सुखाना पड़ेगा जैसे मर्जी इसको सुखा के, तो बाहर थोड़ी बहुत ही धूप है वहाँ पर रख देता हूँ, तो मिलता हूँ फिर मैं ब्रेकफास्ट करके आपको। अच्छा तो यार अभी तो मौसम वैसे ठीक हो गया, वैसे पहले बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी बहुत ही धूप हो गई है, अब कपड़े जितने भी गिले हुए थे सारे खोल के यहाँ पे रख दिए हैं सुखाने के लिए, सारे सुखाने के लिए रख दिए हैं। अब चलते हैं अंदर, चलते हैं ब्रेकफास्ट, और अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यार प्लीज़ अगर नॉर्मल थोड़ी सी भी आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं आप ही के लिए गया था ऊपर, मेरा मन नहीं था, मेरा मन था कि मैं आधे रास्ते से वापस आ जाऊँ, मैं बहुत थक गया था, मैं कुछ खा के नहीं गया था, साथ में पानी नहीं मिला ऊपर, पर कोई भी शॉप नहीं है, आप जब भी जाओ अगर इस रूट से जाओ जोगनी फॉल वाले बैक रूट से, विदेश से नहीं,
असिस्ट से नहीं गया हूँ मैं, जुगनी फाट वाले रूट से जाओ ना, तो प्लीज़ प्लीज़ पानी खाना पीना साथ में लेके जाओ। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, और ऊपर चढ़ने में आपको सांस फूल जाएगी तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए कह रहा हूँ साथ में लेके जाओ।